So let's have a few basic discussion on few basic questions from CA inter module, because CMA inter module ne basic questions diya hi nahi hai. So we will have discussion from here. A is the owner of a car. A is the owner of a car. On 1/4/2020, he starts a business of purchase and sale of motor car. He treats the above car as a part of stock in trade. Isko bola jata hai capital asset converted into stock in trade of his new business, and he sells the same on 31st March and get the profit of 1 lakh. Discuss the tax implication. Oh, bhai. Chai pila do bhai. Please. पहले मुझे बताओ ये जो कार है, कार जो बेचने से इसको 1 लाख रुपए का फायदा हुआ है, क्या ये टैक्सेबल होना चाहिए? तो क्या कार कैपिटल असेट होता है? मैंने आपको क्या ऐसा पढ़ाया हुआ है कुछ भी कि कार इज अ कैपिटल असेट? कार क्या है? पर्सनल है, मूवेबल है, पर्सनल मूवेबल असेट है. ये लाइट लगा देना, बारिश आ रहा है ना, लाइट लगा देना. कार पर्सनल है, मूवेबल है, ठीक है ना. कार पर्सनल मूवेबल असेट्स है. तो पर्सनल मूवेबल असेट क्या कैपिटल असेट होता है? नहीं नहीं. अब नहीं. कार कैपिटल असेट है ही नहीं, तो कैपिटल गेन आएगा ही नहीं. सिंस कार इज अ पर्सनल असेट, कन्वर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ द सेम एज अ स्टॉक इन ट्रेड विल नॉट बी trapped by the provision of section 45, hence it is not capital gain. There will be not capital gain. चलो ठीक है, इसको बाद में करते, इसको अभी नहीं करते, ठीक है. आगे चलता हूं मैं. In which of the following situation capital gain tax liability does not arise? Capital gain नहीं लगेगा. Mr. A purchased gold in 1970 for 25,000. In the previous year 2021, he gifted it to his son at a time of marriage. जब market value 1 लाख रुपए का था, 25,000 का चीज 1 लाख रुपए का जब बना था तब gift दे दिया. बोलो tax लगेगा क्या इसको? नहीं. Mr. A की बात कर रहा हूं मैं, transferor की बात कर रहा हूं. नहीं, ये कौन से सेक्शन में कवर था? 47 में था ना. अभी भी तो बात किया हम लोगों ने, ट्रांजैक्शन व्हिच इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर. चलो आगे चलता हूं. अ हाउस प्रॉपर्टी इज परचेस्ड बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. एचएएफ ने हाउस प्रॉपर्टी परचेस की थी 1945 में 20,000 के लिए. एंसेस्टर प्रॉपर्टी है. इट इज गिवन टू वन ऑफ द फैमिली मेंबर जिसकी वाइफ चुड़ैल थी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ द फैमिली. क्या लग रहा है आपको, एचएएफ के हाथ में टैक्सेबल होगा क्या? 12 लाख का फेयर मार्केट वैल्यू है. नहीं, यहाँ पे भी सेक्शन 47 लग जाता है, ठीक है ना. मिस्टर बी परचेज 50 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विच गॉट कन्वर्टेड इनटू 500 इक्विटी शेयर्स. क्या लग रहा है आप लोगों को, कन्वर्जन टैक्सेबल होगा क्या? नहीं, नहीं. यहाँ पे भी सेक्शन 47 लग जाता है, ठीक है. ऐसा ये 47 का जादू है. ये वाला देख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, इसके नाम से आके जा चुका है. मिस्टर अभिषेक अ सीनियर सिटीजन. सीनियर सिटीजन है तो आपको एक बात याद आनी चाहिए, रिवर्स मॉर्गेज करके मैंने आपको कुछ पढ़ाया हुआ है. मिस्टर अभिषेक अ सीनियर सिटीजन मॉर्गेजेस हिज रेसिडेंशियल हाउस विद अ बैंक अंडर अ नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम. सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है. ही वॉज गेटिंग लोन फ्रॉम बैंक इन मंथली इंस्टॉलमेंट. पहले तो मुझे बता दो, ये जो इसने मॉर्गेज क्रिएट किया है, क्या ये टैक्सेबल है? मैंने अपना प्रॉपर्टी बैंक को दे दिया और मॉर्गेज क्रिएट किया, क्या ये टैक्सेबल है कैपिटल गेन में? नहीं नहीं. इसको 47 लग जाता है, इसको टैक्सेबल नहीं बोला जाता. और ये जो मंथली इंस्टॉलमेंट ले रहा है, ये क्या ये टैक्सेबल है लॉ में? नहीं नहीं. इसको 10 हाँ, इसको कुछ 1047 लग जाता है ना, 1047 ऐसा कुछ लिखा था यहाँ पे. नहीं, 1043. इसको 1043 लग जाता है, 1043 लग जाता है, ये भी टैक्सेबल नहीं होता. अभिषेक डिड नॉट रिपे द लोन ऑन द मैच्योरिटी एंड हिम गिव द पोजीशन ऑफ द हाउस टू द बैंक टू डिस्चार्ज हिज लोन. अब बैंक जब है, बैंक जब इसको सेल करेगी, बैंक जब इसको ट्रांसफर करेगी, तो टैक्स लगेगा क्या?
बैंक लोन का रिकवरी के लिए बैंक सेल करेगी ना प्रॉपर्टी, तो टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, ठीक है ना। ट्रीटमेंट बताना है हम लोगों को, ये देखो पहले पैराग्राफ में उन्होंने बोला सेक्शन 47 प्रोवाइड दैट एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन अ ट्रांजैक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज अंडर द स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। अकॉर्डिंगली मॉर्गेज ऑफ रिवर्स मॉर्गेज एट द रेसिडेंशियल हाउस विद द बैंक अभिषेक विल नॉट बी रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर, therefore no capital gain will be charged on such transaction. Further section 1045-43 provide that amount received by the senior citizen as a loan either in lump sum or in installment in the transaction of the reverse mortgage would be exempt from income tax, therefore monthly installment amount received by Mr. Abhishek would not be taxable. ये taxable नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो ठीक है, आगे चलता हूँ। Examine with reason whether the following statements are true or false. सच और झूठ का सामना करना है। Alienation of residential house. Alienation of the residential house मतलब transfer. Alienation मतलब ये international taxation का word है. Give up करना, transfer करना. Alienation of residential house in a transaction of reverse mortgage under the scheme made and notified by the central government is treated as a transfer. क्या ये transfer होता है? अभी अभी तो अभिषेक की बात की। नहीं नहीं, नो सेक्शन 47 नहीं बोलता, सेक्शन 47 नहीं बोलता, तो ये फॉल्स है क्योंकि उन्होंने बोला इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर, तो इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर आना चाहिए था। जीरो कूपन बॉन्ड एलिजिबल ऑफ एलिजिबल कॉर्पोरेशन हेल्ड फॉर 14 मंथ विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, हाँ ये ट्रू है, आपको मैंने पढ़ाया नहीं। जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स अ बॉन्ड, क्योंकि ये 12 महीने में लॉन्ग टर्म हो जाता है, तो ये 14 महीने का है, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होता है सर? अ बॉन्ड विच on which no payment or benefit are received or receivable before maturity or redemption. ZCB क्या होता है आपको दो मिनट में समझा देता हूं, पहले भी शायद कभी तो समझाया होगा, अगर नहीं तो अभी सुन लो। मुझे बोलो आप जब इक्विटी में पैसा लगाते हो तो आपको रिटर्न में डिविडेंड मिलता है, राइट? आप जब डिबेंचर में पैसा लगाते हो आपको रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है, ये भी राइट है? इक्विटी में पैसा लगाओ तो डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर में पैसा लगाओ तो इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही बॉन्ड में जब पैसा लगाते हो ना आप, तो आपको कूपन मिलता है। कूपन, कूपन मतलब कुछ नहीं, जिस बॉन्ड के ऊपर 12% कूपन लिखा हुआ है, 12% कूपन बॉन्ड मतलब इसको 12% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल। तो कोई एक ऐसा कूपन है जिसके ऊपर लिखा गया है कि ये कूपन जीरो कूपन बॉन्ड है, जीरो मतलब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो है, बोलो आप इसमें इन्वेस्ट करोगे क्या? मार्केट में दो टाइप के बॉन्ड है, कूपन बॉन्ड भी और जीरो कूपन बॉन्ड भी, आप कहां पे इन्वेस्ट करोगे? कूपन बॉन्ड या कूपन पेइंग बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड? लॉजिकली बताओ ना आप कहां इन्वेस्ट करोगे, कूपन पेइंग बॉन्ड 12% वाला बॉन्ड की जीरो वाला बॉन्ड? कूपन पेइंग बॉन्ड, ऑब्वियसली कोई भी यहां पे इन्वेस्ट करेगा। लेकिन जब जीरो कूपन बॉन्ड मार्केट में लॉन्च होते हैं ना कोई भी कंपनी, यूजुअली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिसको लॉन्च करती है, जब भी जीरो कूपन बॉन्ड लॉन्च होते हैं ना, फर्स्ट या सेकेंड डे पे ये ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। ओवर सब्सक्राइब मतलब अगर 1,00,000 बॉन्ड इश्यू हुए थे तो 50-50 50 times 100 times 20 times ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, लोगों को जीरो कूपन बॉन्ड मिलता नहीं है, ठीक है ना, अप्लाई करने के बाद भी नहीं मिलता। सर लोग इतने पागल क्यों है जीरो कूपन बॉन्ड के लिए? क्योंकि जीरो कूपन बॉन्ड है ना, पकड़ लो अगर ये 1,000 rupees का बॉन्ड है, अगर ये 1,000 rupees का बॉन्ड है तो ये 600 में इश्यू होता है। इसका ये मतलब है कि आज आप 600 rupees दे दो, रिडम्पशन वैल्यू इसका 1,000 rupees है, आपको श्योर शॉट 400 rupees का गेन दिख रहा है क्या? हेलो, यस यस सर, ये श्योर शॉट है ना, इसमें कोई कंटिंजेंसी नहीं है, होगा नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं, ये डेफिनेटली होगा। और लोगों को हमेशा फिक्स रिटर्न कमाने के लिए अच्छा लगता है, तो ये जीरो कूपन बॉन्ड का खासियत है। तो उन्होंने वो थर्ड लाइन में वही बोला है, डेफिनेशन दिया हुआ है कि ऐसा बॉन्ड जो बिफोर मैच्योरिटी आपको कोई बेनिफिट नहीं देता, तो ये ट्रू है, बिफोर मैच्योरिटी कोई बेनिफिट नहीं मिलता हम लोगों को। चलो ठीक है,
मैंने मोटा मोटी जितने छोटे मोटे मेरे क्वेश्चंस थे वो सारे करा लिए। अभी तक का जो कैपिटल गेन है उसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो।